तो ये वेंचर शील्ड जिसके ऊपर हम लोग यूज करने वाले, ये तार का ब्रश, ये देखो ये तार है। अब इसके ऊपर मैं इसको रगड़ता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। आप देख सकते हो, देखो ये सारे स्क्रैचेस आ चुकी है यहाँ पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, वो क्या होता है। जैसा हम लोग मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वैसे ही एक जो फिल्म आती है वो आप कार के ऊपर लगाते हैं, जिसे आप कार के पेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसलिए दोस्तों उसे कहा जाता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से आप समझ पाओगे कि वो आपके पेंट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कौन सी टाइप की क्वालिटी इसमें आती है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों काफी लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, जैसा BMW हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, इनोवा हो गया, फॉर दैट मैटर। इसका कलर जो आपको शाइन देता है, आप जब सूटेड बुटेड रहते हो, ऑफिस में सूटेड बुटेड जाते हो तो दिखते भी अच्छे हो, वैसे ही आपकी कार होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता क्या है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है ये 1960 में यूएस में इन्वेंट हुआ था। हेलीकॉप्टर्स के जो विंग्स रहते हैं उसके विंग्स के कॉर्नर पे लगाया जाता है, ताकि हेलीकॉप्टर के विंग्स जो है वो डेजर्ट में प्रोटेक्ट हो सके, डेजर्ट में जैसे सैंड उड़ती है। उसलिए उसका इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद में काफी हाई टेक्नोलॉजी का, काफी रिसर्च करके काफी अलग अलग कंपनियों ने फिल्म प्रोटेक्शन ये कार पे अप्लाई करना चालू किया, जिससे काफी बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। दोस्तों पीपीएफ के थिकनेस के बारे में बताना चाहूंगा। पीपीएफ का जो थिकनेस है वो 150 माइक्रोन का है। आपको अगर एमएम में जानना है, दैट इज 0.15 एमएम, उतना ज्यादा उसका थिकनेस होता है। उसमें तीन कोट होते हैं। पहला जो कोट होता है दोस्तों वो होता है क्लियर कोट, सेकंड जो कोट होता है दोस्तों वो होता है थर्मोप्लास्टिक यूरेथीन, और थर्ड कोट जो होता है वो होता है एक्रेलिक एडेसिव गम, जो कि पीपीएफ काम करता है कार पे होल्ड करने का। आज मैं हूँ 3M कार केयर आउटलेट गोरेगांव ईस्ट में, जो कि मुंबई में है और काफी रिनाउंड आउटलेट है। तो यहाँ पे दोस्तों एक गाड़ी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो लगाई जा रही है, उसे आज देखेंगे हम लोग, उसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कैसा काम चल रहा है वो गाड़ी के ऊपर, आपको दिखाना चाहूंगा। जब भी पीपीएफ का इंस्टॉलेशन होता है, दो तीन चीजों का काफी ध्यान रखा जाता है। एक जो होता है आपकी जो कार है वो विल लिट एरिया में होनी चाहिए, जहां पे लाइट ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पीपीएफ का आप एप्लीकेशन करते हो, सो छोटे छोटे जो माइनर स्पॉट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। दोस्तों जब भी पीपीएफ का काम होता है, ये डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में गाड़ी खड़ी रहना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे शॉप है, हम लोगों ने क्लोज करके रखी है, यहाँ पे पूरा कर्टन्स लगे हुए हैं, ये पूरा डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में काम हो रहा है। अगर पीपीएफ के और पेंट के बीच में अगर डस्ट रहेंगी तो कहीं ना कहीं बबल्स दिखेंगे आपको उस पर, और काम जो है वो प्रोफेशनली नहीं होगा। काम करने के पहले एक चीज हमको ध्यान में रखना होता है कि गाड़ी का जो सरफेस है वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ करने के लिए पहले कार को नॉर्मल फोम वॉश से वॉश किया जाता है, उसके बाद में उसका जो स्विल मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग लगाने वाले पीपीएफ, अगर स्विल मार्क अंदर नीचे में रहेंगे और उसके ऊपर अगर हम फिल्म लगाएंगे तो इट विल नॉट गिव गुड इम्पैक्ट। पहले उसके स्विल मार्क्स निकाले जाएंगे। स्विल मार्क का जो प्रोसेस है ऑलरेडी हो चुका है खत्म। टायर के मार्क्स काफी होते हैं, जैसा रोड पे डामर वामर गिरा है वो आपके गाड़ी के कलर के ऊपर अगर होता है, उसे पहले निकाला जाता है, उसके बाद ही पीपीएफ का जॉब शुरू होता है। दोस्तों एप्लीकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीपीएफ का। एप्लीकेटर जो होता है वो काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का जॉब है, इसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीपीएफ नहीं लगा है और यहाँ पे पीपीएफ लग चुका है, दोनों भी उतना ही शाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी है। आप देख सकते हो कि पीपीएफ लगाने के बाद, अभी पूरा फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद में जो ग्लॉसीनेस गाड़ी के ऊपर आ जाएगा वो काफी बेहतरीन दिखेगा आपको। और कटिंग जैसा होता है, ये जब पैनल हम लोग लगा रहे हैं तो पैनल का जो साइज लेना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कम भी हो सकता है, अगर कम हुआ तो एप्लीकेशन बराबर से नहीं होगा, कहीं ना कहीं जॉइंट दिखेगा। यहाँ पे जो सोप वाटर है, डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है इसके अंदर, हार्ड वाटर मार्क्स ना आए इसके लिए डिस्टिल वाटर का यूज होता है। जो शैम्पू का वाटर लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि गम है एक जगह चिपक जाएगा अगर ये नहीं रहेगा तो। तो स्क्यूजी से देखो यहाँ पे उसको प्रॉपरली हील कर रहे हैं, प्रॉपरली इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ऊपर पानी लगाने का रीजन ये है क्योंकि स्क्रैचेस भी नहीं आने चाहिए उसके ऊपर, और जो स्क्वीजीज होते हैं वो काफी फाइनेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जिससे स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। और जो क्लोथ यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, वो क्लोथ जो है दैट इज माइक्रोफाइबर क्लोथ।
दोस्तों बेनिफिट की बात करते हैं। काफी टाइम जब गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तो यूवी रेस से कलर जो है वो फेड होता है। सो अगर आप पीपीएफ लगाते हो तो उससे कलर फेड नहीं होगा आपका, जो कलर रहेगा ये ओरिजिनल कंडीशन में ही रहेगा। पीपीएफ लगाने के बाद में गाड़ी हमेशा शाइन करती रहेंगी। ये पीपीएफ का यूजुअली लाइफ जो है 5 से 10 साल है। कंपनी 1 साल का वारंटी देता है और शाइन जो है गाड़ी का वो 5 से 10 साल तक जैसा ही नया गाड़ी जैसा ही रहेगा। इसको टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको वैक्स करवाना होता है, क्लीन करवाना होता है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी क्लीन करते हो माइक्रोफाइबर क्लोथ का इस्तेमाल कीजिए, उससे गाड़ी हमेशा स्क्रैच फ्री रहेंगी, जो स्विल मार्क्स रहेंगे वो गाड़ी पे नहीं आएंगे। दोस्तों अगर 5 साल के बाद भी आप ये पीपीएफ को निकालते हो आपके कार से, आपका पेंट इसमें डैमेज नहीं होगा, इतना अच्छा क्वालिटी इस एडहेसिव गम का होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये कलर है ये उड़ गया है, ये स्टोन चिप्स की वजह से हुआ है। काफी रास्ते पे जब गाड़ियां चलती है तो स्टोन चिप्स उड़ते हैं। सो अगर पीपीएफ अगर उसकी जगह पे होता तो यहाँ पे ऐसे स्टोन चिप्स नहीं आते। सो ये काफी बेनिफिट्स है पीपीएफ लगाने के। अगर आप सिरेमिक कोट लगाते हो, सिरेमिक कोट के बाद भी ये चिपिन मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सिरेमिक जो होता है वो रॉक चिप्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। दोस्तों हम यहाँ पे पूरी गाड़ी पे पीपीएफ कर रहे हैं, ये जो पूरी गाड़ी है इसके ऊपर हम लोग पीपीएफ कर रहे हैं। सो पीपीएफ इसके वजह से कर रहे हैं, हाई एंड गाड़ी है। पीपीएफ का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। आपको अगर दोस्तों गाड़ी में इंस्टॉलेशन करना है तो आप पार्शियली इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। दोस्तों जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पूरी गाड़ी ही पीपीएफ करनी है, आप पार्शियली पीपीएफ भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर फीट होता है। यूजुअली जब आप डोर ओपन करते हो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे टच होता है, जब खुलता है तभी, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा क्रैचेस ये यहाँ पे ज्यादा आते हैं। यहाँ पे अवॉइड करने के लिए भी अगर आप पीपीएफ लगा लेते हो तो ये जो पार्ट है ये कभी डैमेज नहीं होगा। जो साइड कॉर्नर्स है यहाँ पे पीपीएफ लगा सकते हो। सो यूजुअली अगर आप पूरी गाड़ी पीपीएफ नहीं करना चाहते हो, आपको अगर कम कॉस्ट में गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है, तो आप ये जो साइड के कॉर्नर्स है इसको भी पीपीएफ कर सकते हो। हाईवे अगर रनिंग ज़्यादा है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये बोनेट और सामने का जो बम्पर है इसे पीपीएफ से प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलती है तो ये सब एरिया पे स्टोन्स के चिप्स उड़ के यहाँ पे कलर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों बहुत से टाइम जो बाइक वाले होते हैं ये जो साइड मिरर्स होता है इसके ऊपर उनका हैंडल बार्स वगैरह लगता है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप उसको पीपीएफ इंस्टॉल करते हो यहाँ पे तो ये स्क्रैचेस से बच सकता है। दोस्तों पीपीएफ का रेट अगर जानना है तो आप नियरेस्ट कोई भी 3M आउटलेट में जा सकते हो। उनके पास 2 क्वालिटी के पीपीएफ है, एक जो है नॉर्मल पीपीएफ है और एक होता है वेंचर शील्ड, जो कि 3M का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। वेंचर शील्ड का जो बेनिफिट होता है वो सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट है। सेल्फ हीलिंग मतलब जहां पे वहां पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाती है तो स्क्रैचेस हील करने के लिए आप गर्म पानी का यूज करके आप उसे स्क्रैचेस को निकाल सकते हो, या हॉट ब्लोअर गन से भी आप उसके स्क्रैचेस निकाल सकते हो। कैसे ये आपको दिखाता हूं अभी मैं। दोस्तों पीपीएफ का एप्लीकेशन किया था हमने BMW GT पे और ये जो है बलिनो के ऊपर आपको दिखाऊंगा दोस्तों एग्जांपल। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 पैच लगाए, ये है नॉर्मल पीपीएफ और ये है वेंचर शील्ड पीपीएफ। तो आपको चिपिन और पेंट से प्रोटेक्ट करेगा, ये चिपिन और पेंट से भी प्रोटेक्ट करेगा, प्लस अगर स्क्रैचेस वगैरह होते हैं आपको इसको आप इसको हील कर सकते हो। कैसे ये दिखाता हूँ। तो ये है वेंचर शील्ड जिसके ऊपर हम लोग यूज़ करने वाले, ये तार का ब्रश, ये देखो ये तार है। अब इसके ऊपर मैं इसको रगड़ता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। आप देख सकते हो, देखो ये सारे स्क्रैचेस आ चुकी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी स्क्रैचेस आ चुकी है, आप देख पा रहे हो। अभी ये स्क्रैचेस को हमको अगर हील करना है तो क्या करना है। दोस्तों हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये हॉट ब्लोअर गन का, इसके ऊपर हॉट ब्लोअर मारेंगे तो ये जो स्क्रैचेस आपको जो दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हॉट ब्लोअर से पूरा जो स्क्रैचेस है वो निकल गया है, क्लीन हो गया है। देखो यहाँ पे जैसा ओरिजिनल था वैसे ही हो चुका है। अगर आपके पास में हॉट ब्लोअर गन नहीं है तो आप गर्म पानी का यूज करके भी वो स्क्रैचेस को निकाल सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बताना चाहूंगा जो है, आपके स्टोन चिप से आपके कलर डैमेज नहीं होगा,
आपके गाड़ी को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, सो मेंटेनेंस फ्री हो गई है आपकी गाड़ी। शाइन जो है आपके गाड़ी का ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। दोस्तों आपने देखा होगा काफी बहुत से टाइम जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड शीट गिरता है, बर्ड शीट का जो एसिड रहता है उसके अंदर, उससे पेंट डैमेज हो जाता है। सो अगर PPF रहेगा तो बर्ड शीट गिरने के बाद भी आपका कलर डैमेज नहीं होगा। और सबसे बेहतरीन चीज PPF की ये है कि आप एक पैनल, लेट्स एग्जांपल आपका जो मडगार्ड है वो डैमेज हुआ है, सो मडगार्ड को आप पेंट करके वापस वहाँ पे आप PPF लगा सकते हो, क्योंकि पूरे गाड़ी पे आपको PPF लगाने की जरूरत नहीं, जो पार्ट डैमेज है उधर ही लगाना है। कार केयर, यू कैन सी इट इन रिफ्लेक्शन हियर, सो दैट्स वेंचर शील्ड। आपको सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करना है, सो पहली चीज आप क्या देखते हो? पहले हम लोग देखते हैं गाड़ी का इंजन कैसा है, फिर देखते हैं गाड़ी की कंडीशन कितनी अच्छी है। अगर गाड़ी ओरिजिनल कलर में है, गाड़ी पे स्विल मार्क्स नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है और अच्छे से मेंटेन हुई है, ऑब्वियसली आप वही गाड़ी लेना पसंद करोगे। अगर आप PPF लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका ओरिजिनल कलर जो है वो हमेशा बचा रहेगा। और जब भी आप गाड़ी बेचने जाओगे, आपने जो PPF में आज इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहता हूँ, काफी नॉलेज शेयर करते रहता हूँ, काफी आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। नीचे का जो सब्सक्राइबर बटन है वो प्लीज प्रेस कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन भी दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जब भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आपको सबसे पहले देखने मिलेगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।